कुल शिकायत 18 थी, जिनमें से 17 का हम निवारण किया है, एक पेंडिंग बाकी है, बाकी 17 का हमने निवारण किया। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि हम 4 डिप्टी सीएम है वो बनाएंगे कांग्रेस सरकार आने पर, और उनमें से एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मेरा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बड़े नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं और केंद्र में बहुत लंबे समय तक राजनीति की है। क्या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को अधिकार है डिप्टी सीएम का कहने का, या आदमी व्यक्ति बनाता है या संगठन बनाता है, मुझे तो ये जानकारी नहीं। पहले तो ये बता दें, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कोई पावर दी हो भाई आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, और हम चाहते हैं कि हरियाणा में 14 मंत्री बनते हैं, एक चीफ मिनिस्टर, 13 आदर्श जो कोटा है, हम क्या 13 बनाए, सभी को बनाए, पर चार जातियों से प्रदेश थोड़ी चलेगा, इसमें तो सैकड़ों जातियां हैं, सबको बनाए, सबका अधिकार है। अरे ये बना दे मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसके बता दे, ये बता दे मुख्यमंत्री बता दे कौन बनेगा। अब सब कुछ क्लियर कर रहे हैं चौधरी साहब, तो ये बताते हैं ये डिप्टी सीएम बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये फलाना बनेगा, और कौन से नहीं बनेंगे उनका बता दें भाई, ये बनेंगे बाद बनेंगे, या 6-6 महीने की टर्न ओवर रखे हो, 6 महीने बाद कोई हरियाणा का नया कानून लिखाओ। हमने तो आज तक सुना नहीं जिस तरह से हरियाणा में ये इस तरह के जो हालात हैं, जब सब कुछ लुट जाता है, ये सब कुछ जब लुट जाता है, जब आदमी को याद आती है जाति धर्म मजहब उनकी बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसी में यही है कि कौन प्रधान बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, कौन उप मुख्यमंत्री बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में इसकी कोई नहीं कल्पना कर सकता, कौन एमएलए बन जाए। उसे आने के 52 वर्ष कांग्रेस से राज किया देश में, आप ये तो पूछे गरीब अंतिम व्यक्ति के साथ क्या हुआ, अंतिम व्यक्ति आज भी रुक रहा है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अंतिम व्यक्ति गरीब व्यक्ति जो अंतिम कड़ी में खड़ा पूछा नहीं करता था, जो राजीव गांधी ने कहा था हम 100 रुपये भेजते हैं 15 पैसे जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी 100 रुपये भेजते 100 रुपये व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक जाने का काम करता है, ये बड़ा फर्क है। प्रत्येक मंडी में हालात बदतर हो रहे हैं, किसान परेशान, रेट भी कम हो गए हैं, क्या जल्दी समाधान निकालेंगे फसलों की, जो जो अपने आढ़ती हैं या जो एक्सपोर्टर हैं उन सबका क्या है कि रास्ता निकलेगा जल्दी, उसके लेंगे किस तरह की समस्या आ जाती है आपस में, कई सेलर वालों की दूसरी समस्या है, जल्दी उसका रास्ता निकले और मुख्यमंत्री स्वयं लगे। सर, आपकी सरकार जिस प्रकार से सिटी का एग्जाम है अब होने वाला है, तो काफ़ी अच्छे प्रयास चल रहे हैं कि बच्चों को सुविधाएं मिलें और काफ़ी अच्छी सुविधाएं, किस प्रकार के प्रयास रहते हैं? आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने 21/22 पूरे हरियाणा में हरियाणा रोडवेज की बसें रहेंगी, और हरियाणा रोडवेज की बसें पूरे हरियाणा में जो भी अपने कार्ड हैं एडमिट कार्ड दिखाएगा फ्री जाएगा, और जो जानकारी में 13 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, और हम ये चाहते हैं कि जिनको 21 को देना है वो रात को भी जा सकते हैं, कार्ड दिखा के रात को भी जा सकते हैं, और क्या है कि जैसे जैसे उनका 21 और 22 को हम पूरे हरियाणा में जितने भी अपनी हरियाणा रोडवेज की बस हैं या दूसरे उनके फेरे भी फालतू करेंगे, जहाँ 4 चक्कर हैं 5 लगाएंगे, 5 हैं वहाँ 6 लगाएंगे, ये कि उसकी हम जो फेरों की स्पीड भी तेज करने का काम करेंगे। हरियाणा रोडवेज के जब इस समय बसों की समस्या थी पूरे हरियाणा में, ये कहा जाता था कि प्राइवेटीकरण हो रहा जा रहा है, और मेरे मित्र भी कहते थे दूसरे दलों के लोग कि हरियाणा की कभी बस नहीं आ सकती, रोज प्रदर्शन होते थे। हमने हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 5200 बस, हमने 3500 बस हमने हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल की हैं, ये रिकॉर्ड है जिसने हरियाणा बनाया, 1 नंबर 66 के हरियाणा के बाद सबसे बड़ी खेप प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2023 में आई, 22-23 में। दूसरा, जहाँ रोडवेज के जिसमें कर्मचारी हमारे ज़्यादा थे किसी, हम एक एक कर्मचारी को लेटर का उनको वापस, चाहे कोई DDP ऑफिस में है या दूसरे एक्साइज टैक्सेशन में है या किसी अधिकारी के दूसरे, हमने कहा रोडवेज के जितने ड्राइवर हैं वो सब वापस आए, बस हमारे पास एक्स्ट्रा खड़ी हुई है और सभी को वापस बुलाएंगे, और सबको जल्दी जल्दी, और नई कौशल विकास से भी कहीं कनेक्ट रहे ड्राइवर, हम और लेने जा रहे हैं।
कहते हैं बड़ी पार्टी बड़े घरों के यही होते हैं, और कांग्रेस ने कभी संगठन से काम नहीं करा, परिवारवाद का काम किया है, एक परिवार एक वह उससे काम किया है, कभी उन्होंने अपने उससे काम नहीं किया, और संगठन से उन्हें क्या लेना देना, पुरानी परंपरा है सर। हरियाणा का गठबंधन है देश का गठबंधन, बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में है, और हरियाणा में हम सरकार चला रहे हैं, सरकार का हमारा गठबंधन है, सरकार चलाने का गठबंधन है, दूसरा गठबंधन नहीं है, वो संगठन तय करता है। सर किसान गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, अभी सोनीपत में भी धरना चल रहा है, वो अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे, उसको लेके प्रदेश सरकार की तरफ से है कुछ ऐसा कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा? सबसे भारत में हमारा गन्ने के मूल्य में हमारा दूसरा नंबर है हमारे स्टेट का, इससे ज़्यादा गन्ना का रेट कहीं नहीं है, और हमारी सरकार ने गन्ने का गेहूँ का तेलन का सरसों का रेट हमने बढ़ाया। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।